हेलो, तुम वॉलंटियर हो ना, तुम्हें इन लोगों को समझाना चाहिए कि तुम आपस में लड़ने लगे हो तो शांत हो जाओ। फिर एक बात बता भाइयों, आप भाई को मानते हो? कितने लोग भाई को चाहते हैं, एक बार हाथ उठा करके बताओ ईमानदारी से। चाहते हो ना तो यहाँ से उधर जाओ, थोड़ा ये जगह छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो। अगर मानते हो भाई को तो जगह छोड़ दो भैया, क्या बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो बात सुनो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे भीड़ में कोई दुश्मन खड़ा होकर यहीं से गोली चला देगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तो अनुशासन में नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, तुम मैं जानता हूं, फिर कुछ भी करते रहना, तुम्हारा चला जाएगा, फिर कुछ भी कर लेना चाहे। दुश्मन समझते हो ना कितने नालायक होंगे, तो इसलिए अपने आप अनुशासन बनाओ। क्या पता दुश्मन कहां बैठा, समझते नहीं समझते हो? अब बिठा दो सब लोगों को पकड़ ले, नीचे बैठ जाओ, मौका मत दो विरोधियों को, बिल्कुल किसी को मौका मत दो। चलो निशा शुरू करो बेटा, बहुत समय हो जाएगा, चलो अभी कर ले सभी। एक बार सभी बोलेंगे जय भीम, जय भीम। एक गीत जो कि बहुत ही सुंदर भाई के लिए समर्पित करते हो भाई, सुनेगा और जब जब बात अच्छी लगे तालियों का सहयोग जरूर करते रहिएगा। एक बार सभी बोलेंगे जय भीम, तो चार लाइनें रख रही हो भाई, लग जाए दिल पर तो बजा देना ताली, ठीक है? कि हम वो हैं जो फलक को जमीन पर उतार देंगे, उतार देंगे कि नहीं, कि हम वो हैं जो फलक को जमीन पर उतार देंगे और बिगड़े हुए शहजादों को दो मिनट में, कि हम वो हैं जो फलक को जमीन पर उतार देंगे और बिगड़े हुए शहजादों को दो मिनट में सुधार देंगे। अरे हम बंसल है बाबा साहब के, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, अगर हम अपनी पर आ गए तो चमड़ी भी उतार देंगे, चमड़ी भी उतार देंगे। इसलिए कह रहे जाओ और यहाँ से थोड़ा हट जाए, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई यहाँ से हट जाइए, निवेदन द्वारा मुझे दिखने चाहिए पूरे। हट जाओ बाबा, हट जाओ तुम, हट जाओ साइड में बिल्कुल। एक गीत सुना होगा भाई, सुना होगा, चुन्नी में परफ्यूम लगा रही, सही गीत रख रही हूँ भाई के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो हक के लिए लड़ता है रावण, लड़ता है कि नहीं? अरे हक के लिए लड़ता है रावण, तुम है उसकी बगावत में, वो सबके लिए लड़ता है रावण, तुम है उसकी बगावत में। ओ कब तक लगी मोदी की, ओ कब तक लगी मोदी की, ओ सरकारों से हिरासत में, ओ सरकारों से हिरासत में, क्यों ओ भारत में आजाद है रावण, भारत चार लाइनें रख रही हूँ भाई, दोनों भाइयों के लिए चार लाइनें रख रही हूँ, और लग जाए दिल पर तो तालियों का समर्थन जरूर दीजिएगा। तीनों भाई पूरे मंच के लिए रख रही हूँ भाई, छोटे ना तीनों शेरों के लिए रख रही हूँ, और आप लोग डटे हैं तो भाई तो मैं छुपा बोल दो, ए रुक जाओ बाबा रुक जाओ। एक बार सभी बोलेंगे जय भीम, सुनो कि राह में खतरा बहुत है,
कांसी राम का नारा है। क्या नारा भाई? और दूसरी लाइन तो मैं बोल रही हूँ कि कांसी राम का नारा है भारत देश, कि कांसी राम का नारा है भारत देश हमारा है। और भीम के बेटे रावण ने क्या किया? भीम के बेटे रावण ने तो अरे मोदी बोलन करा है, मोदी बोलन करा है। एक बार सभी बोलेंगे जय भीम। कि बेईमान कौन से जो सलाम हो गए, सफर में सियासत की वो नाकाम हो गए, लालच में कुर्सी के जो नेता बच गए, अरे वो तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गए। संविधान बदलना पाएगा, संविधान बदलेगा कि नहीं? संविधान बदलना पाएगा, रावण को तो क्या फंसाएगा। संविधान बदलना पाएगा, रावण को तो क्या फंसाएगा। और वो नीला झंडा लहराएगा, वो नीला झंडा लहराएगा, वो तो राज हमारा लाएगा, वो राज हमारा लाएगा, वो राज हमारा लाएगा। मेरे साथ में बोलना है, सभी को याद हो गया ना गीत? हाथ ऊपर करो, सबको बोलना है साथ में क्या? ओ भारत में, भारत में। अब मैं आदरणीय भैया से अनुरोध करना चाहता हूं कि महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आदरणीय भैया, आदरणीय आजाद जी, आदरणीय भाटी जी, आदरणीय दामोदर यादव जी,